नमस्कार दोस्तों, मैं राशिद खान, गया जिला रिपोर्टर, संज्ञान दृष्टि न्यूज से। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ जो देश भर में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें पत्रकारों मीडिया कर्मियों को उनका हक देने के लिए एक अभियान चलाया गया है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैल चुकी है, एक महामारी का रूप ले चुकी है, और हमारा भारत भी इससे बचा हुआ नहीं है। भारत में अभी तक 20,000 के करीब लोग कोरोना वायरस से बीमार हो चुके हैं और लगभग 600 की मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि बहुत दुखद है। सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत सी चीजें, सहूलतें अस्पताल कर्मियों के लिए, डॉक्टर जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस वालों के लिए को दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया कर्मियों का ध्यान है। मीडिया कर्मी देश में चौथा स्तंभ माने जाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं उसके लिए, और पूरे इंडिया, पूरे विश्व को न्यूज़ पहुंचाने के लिए, सही न्यूज़ पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, ये एक मीडिया कर्मी से आप पूछ सकते हैं, मीडिया कर्मी से जान सकते हैं। दोस्तों, हमारा आह्वान जो पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा आह्वान किया गया है, मीडिया कर्मियों के लिए ध्यान देने के लिए, उनकी सहूलतों के लिए, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके लिए और पूरे देश की मीडिया के जरिया एक वॉर रूम, जिसे मीडिया कर्मी अपनी सहूलतें, अपनी दिक्कत बता सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। सरकार को कर्मियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करनी होगी। आज पूरे देश में देख सकते हैं कि पत्रकारों के साथ कितनी बदसलूकी की जा रही है, उसे जल्द से जल्द रोकना होगा सरकार को। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे ऑनलाइन पत्रकारों को के पास जारी करना, सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन जो पत्रकारिता करते हैं उनके पास जारी की जाए। पत्रकारों को राशनिंग सिस्टम से, व्यवस्था से जोड़ा जाए ताकि वो उसकी सहूलत उठा सकें। लघु एवं निकाय जो आती हैं 2016 के केंद्र सरकार के नीति के अनुसार, उन्हें विज्ञापन दिया जाए। और पत्रकारों को बीमा कराया जाए ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। दोस्तों, ये आह्वान पूरे देश के मीडिया कर्मियों से प्रार्थना करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस अभियान में जुड़ें और अपना महत्वपूर्ण टाइम दें, सरकार को बताएं हमारी परेशानियां और उसे कैसे हल करें। आज इस मीडिया के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके हम सबको एक साथ मिलकर सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसी मसले के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं राशिद खान, गया जिला रिपोर्टर, संज्ञान, धन्यवाद।